ऑलराइट गाइस, आज हम एक बार फिर से खेलने जा रहे हैं WWE 2K22। और आज का ये मैच है WWE की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैच, यानी कि ये मैच है ब्रॉक लेसनर वर्सेस द अंडरटेकर के बीच में। तो आज देखते हैं इस मैच को कौन जीतता है। इस मैच में एक्शन भरपूर नॉनस्टॉप होने वाला है, तो फटाफट इस गेम प्ले को यहां पे शुरू करते हैं। रेफरी ने यहां पे बेल बजा दिया है और मैंने यहां पे क्लोज लाइन मार्केज को गिरा दिया है। मेरा प्लेयर है ब्रॉक लेसनर। तो यहां पे भाई अंडरटेकर ने भी ड्रॉप किक मार के मेरे को गिरा दिया। और यहां पे अब क्या मुझे कवर कर रहा है क्या? नहीं, अभी यहां पे मुझे कवर नहीं कर रहा है। यहां पे मेरे ले रहा है पार्टी और इसने मुझे यहां पे गिरा दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कवर करने वाला, बट नहीं, यहां पे कवर कर रहा है क्या? नहीं, यहां पे कवर नहीं कर रहा हूं भाई। यहां पे इसने अपना हेल्थ गेट लगा दिया, यानी कि इसने अपना सबमिशन होल्ड कर दिया है। मुझे इस सबमिशन से फटाफट से बाहर निकलना होगा, बहुत ज्यादा डैमेज पड़ेगा, बट मेरे पावर ठीक ठाक है। तो यहां पे मैंने यहां पे सबमिशन होल्ड से बाहर निकल चुका हूं बहुत ही आसानी से, क्योंकि भाई मैच अब यहां पे शुरू हुआ है, तो इतनी आसानी से तो अंडरटेकर हरा नहीं पाएगा। बट इसने मेरा हाथ तोड़ के रख दिया है। मैंने तो अपना पहला फिनिशर, और हम दोनों के पास ही दो फिनिशर है। पहला फिनिशर मैंने यहां पे इसको लगा दिया अंडरटेकर को। फटाफट से मैं कवर करता हूं बिना एक भी सेकंड यहां पे वेस्ट करे। देखते हैं यहां पे अंडरटेकर हार मानता है नहीं। 1 2 एक और नहीं, यहां पे नहीं नहीं नहीं, यहां पे अंडरटेकर ने हार नहीं मानी भाई। इतनी जल्दी तो खैर अंडरटेकर भी हार नहीं मानेगा, बट बहुत ही अच्छा मौका था मेरे पास यहां पे अंडरटेकर को हराने का और यहां पे हिस्ट्री बनाने का। इतनी जल्दी मैच हरा के मैं यहां पे हिस्ट्री बना सकता था। और ये अंडरटेकर यहां पे कहां जा रहा है? ओके, तो यहां पे भाई ये कुछ असला बारूद यानी कुछ लाठी डंडा लाने गया है भाई। एग्रेसिव मूड में आ चुका और यहां पे बेस बल्ला निकाल के लाया है। चलो तो पहले यहां पे इसको मारता हूं और इसके बेस बल्ले से ना भाई जी की यहां पे कुटाई करेंगे। चल भाई, यहां पे पड़ी सी क्लोज लाइन काफी, मतलब काफी तगड़ा इंपैक्ट पड़ा। और अब लिया बेस बल्ला, अब इससे ना इसी को पीटते हैं और शायद से इसका भाई ब्लड भी निकल जाए, क्योंकि बेस बल्ला नहीं सर पे लगता तो यहां पे पक्का ब्लड निकलना पक्का था। चलो पहला यहां पे जर्मन सुप्लेक्स लग चुका है अंडरटेकर के, और भाई इंपैक्ट तो काफी तगड़ा है। पूरी पावर यहां पे अंडरटेकर की रेड हो चुकी है। हम दोनों के पास ही दो दो फिनिशर है और अभी हमने एक एक यूज कर लिया। अंडरटेकर ने भी यूज नहीं करा है, बट मैंने एक यूज कर लिया। बट अभी भी मेरे पास यहां पे एक फिनिशर पड़ा हुआ है। मैं अभी यहां पे कुछ निकाल के लाता हूं, चेयर। चलो यहां पे चेयर से इसको मारते हैं भाई। ओके, यहां पे भाई मार नहीं जा रहा था, बट पीछे से अंडरटेकर आ गया काफी तेजी में। और अब ये क्या लगा रहा है यहां पे? चलो ये मेरे को उठा के फेंक रहा भाई, बहुत तगड़ा इंपैक्ट आएगा इस वाले मूव में तो, ऐसी मुझे लग रहा है। और यहाँ पे इसने फेंक दिया है मेरे को नीचे। और अब मैं फटाफट से भाई कुर्सी लेकर अंदर जाता हूँ और अंदर इसका वेट करता हूँ। अंदर आ बैठा तो उसने भी भाई यहाँ पे बेस बल्ला उठा लिया, पर मैंने यहाँ पे सही टाइम पर अंदर आके यहाँ पे इसको मारा है। और के नहीं, यहाँ पे भाई मतलब पूरा ये दोनों हम दोनों कहाँ चले गए भाई, मतलब ओके तो उसने मुझे डैमेज दिया क्या भाई, कैसे? चलो मैंने यहाँ पे रिवर्सल कर दिया बहुत ही सही टाइम पे। और अब यहाँ पे इसका फिनिशर लगाया जाएगा। फिनिशर तो मेरे पास पड़ा है, बट भाई मैं वेट कर रहा हूँ कि एक अच्छा सा मूवमेंट। ओके, यहाँ पे भाई इसने दोबारा से मेरे को पटकी लगा के नीचे गिरा दिया है। और अब ये क्या ले जा रहा अपना फिनिशर ना ले यार, अगर इसने यहाँ पे फिनिशर ले लिया ना इस मूवमेंट पे, तो भाई मेरे लिए मैच जीतना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पे कुके तो यहाँ पे इसने दोबारा से अपना हेल्थ गेट, यानी कि इसने अपना सबमिशन होल्ड कर दिया। मुझे फटाफट से सबमिशन से बाहर निकलना होगा, और मेरे हिसाब की पावर भाई काफी डिफिकल्ट है मेरे लिए इस सबमिशन होल्ड से बाहर निकलना, बट मैं पूरा अपने यहाँ पे ट्राई करूंगा। मेरी पावर एकदम कम है, बट फटाफट से मुझे यहाँ पे बाहर निकलना ही होगा। चलो तो मैंने यहाँ पे सही टाइम पे भाई मैं इस सबमिशन होल्ड से बाहर निकल चुका हूँ। अंडरटेकर ने बिल्कुल मतलब यहाँ पे पूरे मैच को खत्म करने की पूरी प्लानिंग थी, और जिसमें वो सक्सेसफुल भी हो जाता। चलो मैंने यहाँ पे अपना सबमिशन होल्ड लगा दिया है। फिर रेफरी कहाँ देख रहा भाई, अबे किधर देख रहा, उधर है हम दोनों। चलो यहाँ पे अंडरटेकर भाई सबमिशन से बाहर निकल गया, बट ये रेफरी क्या देख रहा था यार, मतलब नीचे झुक के पता नहीं कहाँ जा रहा था, समझ ही नहीं आया इसका। तो अंडरटेकर पीछे हो गया भाई, काफी अच्छा मूव चला यहाँ पे। चलो यहाँ पे इसके बड़ा मिनी सुपरलेक्स नहीं सॉरी स्पीयर पड़ा यहाँ पे मिनी वाला। और यहाँ पे आज जर्मन सुपरलेक्स, एक और जर्मन सुपरलेक्स पड़ा, काफी तगड़ा इंपैक्ट पड़ा यहाँ पे अंडरटेकर के ऊपर। और अब बारी आ गई है चेयर से तोड़ा ताड़ी करने की, बट यहाँ पे अंडरटेकर दोबारा से पीछे हो चुका है। ओके, ये पड़ा फाइनली भाई सर पे, यहाँ पे जो उसके चेयर पड़ी ना, इतना तगड़ा इम्पैक्ट आया और आवाज देखते ही बनती है। एक और भाई, एक और सर पे यहाँ पे पड़ चुकी है। और अब नहीं, दोबारा से खड़ा हो गया भाई, मुझे ऐसा लग रहा था। चलो मैंने यहाँ पे रिवर्सल कर दिया है, फिनिशर लगाने की कोशिश कर रहा था, बट मुझे ऐसा लग रहा था रिवर्सल नहीं हुआ वो भाई। मैंने तो यहाँ पे रिवर्सल करा था, बट रिवर्सल नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा था कि दो तीन इसके चेयर पड़ेगी ना, तो भाई यहाँ पे ये उठ नहीं पाएगा, बट यहाँ पे इसने कर दिया रिवर्सल। पावर पूरी है, बुड्ढा हो गया अंडरटेकर कोई बात नहीं, बट पावर यहाँ पे अपनी पूरी दिखा रहा है। और मुझे अब यहाँ पे ना फटाफट से भाई कुछ करना होगा, मेरे पास अब यहाँ पे ज़्यादा टाइम है नहीं। और यहाँ पे दिक्कत वाली बात एक और है कि मेरे पास ना अभी यहाँ पे फिनिशर भी नहीं है। स्पाई बस्टर मैंने यहाँ पे लगा दिया है और ये ना स्टैंड हो चुका है। फटाफट से मैं कवर करता हूँ, क्या पता यहाँ पे हार मान जाए। 1 2 एक और, बस एक और, नहीं बहुत ही ज्यादा क्लोज थे हम इस मैच को यहाँ पे जीतने के, बट यहाँ पे हम इस मैच को नहीं जीत पाए हैं। अंडरटेकर यहाँ पे अपनी पूरी भाई अपनी लाइफ टाइम की जो भी उसके पास एनर्जी है ना, वो इस मैच में यहाँ पे यूज कर रहा है। और हार नहीं मानना, मैं लगा तो अपना यहाँ पे फाइनल फिनिशर, यानी कि मेरे पास जो अपना फाइनल फिनिशर पड़ा है वो उसको मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। और अब देखते हैं इस मैच में क्या रिजल्ट आता है, क्या यहाँ पे अंडरटेकर हार मानेगा नहीं। फटाफट से मैं कवर करता हूँ और यहाँ पे भाई रेफरी तू कहाँ है, फटाफट से आ जाओ, करते फटाफट से 1 2 3 1 2
3 ओके तो फाइनली हमने यहाँ पे इस मैच को जीत लिया है। बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही ज्यादा टफ मैच था और काफी एक्शन हुआ इस मैच में। तो बस भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। हमने जीता इस मैच को अंडरटेकर से, तब तक के लिए ख्याल रखना, बाय बाय गाइज़।